आज तक आपके साथ हूं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली घंटे में घटी दो ऐसी वारदातों के साथ जो राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। एक तरफ बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ जिसमें पुलिस की पीसीआर वैन पर फायरिंग की गई, वहीं भरी कोर्ट में आज कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में आपको बता दें कि गैंग वॉर हुआ। तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए बदमाश कोर्ट में गोलियां बरसाते हैं जिसमें एक कांस्टेबल की मौत हो जाती है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे आज सुबह दिल्ली के कोर्ट रूम में कैसे हुआ गैंग वॉर। करीब 11:15 बजे का वक्त था जब अदालत में सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था। अदालत में वकील, मुवक्किल, फरियादी, मुजरिम, आरोपी सभी थे, लेकिन अचानक गोलियों की धाएं धाएं की आवाज हुई। हर कोई बाएं दाएं भागने लगा। बताया जाता है कि ये जो गैंग है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया बेखौफ तरीके से, ये गैंग नसीर गैंग है और इनकी पहले से राइवलरी चल रही थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच करी। आप देख सकते हैं कि कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर बहुत ही गहमा गहमी है, पुलिस का आना जाना है, पूरे कोर्ट की सिक्योरिटी को अब चाक चौबंद कर दिया है। घटना कड़कड़डूमा कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 73 के ठीक सामने हुई। नसीर गैंग के गुर्गे इरफान को पुलिस पेशी के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में लाई थी। पहले से 4 हमलावर इरफान को निशाना बनाने के लिए मुस्तैद थे। इरफान के आते ही चारों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुल 6 गोलियां चलाई गई जिनमें से 3 गोलियां उस कांस्टेबल को लगी जो इरफान को कोर्ट लेकर आया था। एक गोली एक अन्य पुलिसकर्मी को लगी तो कोर्ट का एक क्लर्क भी घायल हो गया। इरफान को कोर्ट लाने वाले कांस्टेबल का नाम रामकवर मीणा था। 35 साल के रामकवर मीणा के 2 बच्चे भी थे, लेकिन हमलावरों के टारगेट इरफान को बचाने की कोशिश में बहादुर कांस्टेबल शहीद हो गया। इरफान दिल्ली के सीलमपुर का नामी बदमाश है। चेनू पहलवान उर्फ इरफान दिल्ली के सीलमपुर में अपना गैंग चलाता है। इरफान पर हमला सीलमपुर के ही नासिर गैंग ने किया था। इरफान पर हमला करने के लिए कोर्ट में पहुंचने वाले बदमाश थे शाहिद, गुड्डू, सोनू और शेरा। कोर्ट रूम में गोलीबारी करने के बाद हमलावर युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। भागने की कोशिश में हमलावरों के हथियार भी अदालत की सीढ़ियों और फर्श पर ही गिर गए। चारों से पुलिस पूछताछ कर रही है जिसके बाद शायद वारदात की गुत्थी भी सुलझ जाए, लेकिन भरी अदालत में कोर्ट रूम तक हथियार बंद बदमाश कैसे पहुंचे, इस सवाल का जवाब देना दिल्ली पुलिस के लिए भारी पड़ सकता है। कड़कड़डूमा कोर्ट में हजारों लोग रोजाना आते हैं, ऐसे में जिस तरह से बदमाश कोर्ट के अंदर घुसे और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, ये अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस दिशा में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। कैमरन वाहिद, नितिन और दीपक के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार दिल्ली तमंचे पर क्यों है? खुद को सबसे हाईटेक कहने वाली राजधानी दिल्ली पुलिस का खौफ बदमाशों के दिल में आखिरकार यहां पर क्यों नहीं है? कोर्ट रूम तक पहुंचने वाले लोगों की जांच आखिरकार क्यों नहीं की गई? हथियार लेकर पहुंचने में कामयाब कैसे हुए हमलावर, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आज की घटना के बाद कोर्ट रूम के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी हमले के वक्त कहां थे? सरेआम गैंग वॉर क्या दिल्ली पुलिस की नाकामी है? कांस्टेबल की शहादत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल भी अब मुंह बाय खड़ा है। और अब बात बीती रात दिल्ली में हुए एनकाउंटर की करेंगे जिसमें बदमाशों ने पुलिस की पेट्रोलिंग वैन को सीधे तौर पर चुनौती दी और चेकिंग के लिए रोकने पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बदमाश इतने बेखौफ थे कि 10 किलोमीटर तक पुलिस को पीछे भगाते रहे और आखिर में फरार होने में भी कामयाब रहे। मंगलवार रात 8 बजे लाजपत राय मार्केट दिल्ली। दिल्ली के बेहद व्यस्त इलाके पुराने लाजपत राय बाजार में अचानक ही अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज गूंजने लगी और पुलिस की गाड़ियां भागने लगी। रिहायशी इलाके में बदमाशों से मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की 8 राउंड फायरिंग। मारुति कार में सवार थे बदमाश। 3 बदमाश फरार, 1 पुलिस की गिरफ्त में। बदमाशों का हौसला देखिए, पेट्रोलिंग कर रही पुलिस वैन ने देखा कि कुछ लोग एक मारुति कार में कुछ सामान रख रहे हैं। पुलिस को उनकी गतिविधियों पर कुछ शक हुआ। जब पुलिस ने पूछताछ के लिए इन्हें रोकने की कोशिश की तो कार में सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मकसद यही था
कि अचानक फायरिंग करके मौके से निकल भागे। बदमाश लगातार पुलिस पर फायरिंग करते रहे। पुलिस ने पीछा करना जारी रखा और जवाबी फायरिंग की। करीब 10 किलोमीटर तक पीछा करती रही पुलिस। आखिरकार पुलिस ने सीलमपुर के पास इन बदमाशों की कार में टक्कर मार दी, लेकिन कार में बैठे तीन बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। बस गाड़ी चला रहा शख्स पुलिस के हाथ लगा। देख सकते हैं आप, ये वही पीसीआर है जिससे पीछा पुलिस वाले कर रहे थे और जो बदमाशों ने गोली चलाई है वो गोली इस साइड मिरर पर लगी थी और उसके बाद गोली टकराने के बाद ये जो विंडो ग्लास था इस पर लगी और उसके बाद ये शीशा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। इस पीसीआर में एक महिला पुलिसकर्मी समेत कुल तीन पुलिस वाले थे। जब बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी उसके बाद पुलिस वालों ने कंट्रोल रूम को इस पूरे मामले की खबर दी कि बदमाश हैं और फायरिंग कर रहे हैं पुलिस पर। उसके बाद ये जो पीसीआर थी वो लगातार बदमाशों का पीछा कर रही थी। बदमाशों की फायरिंग में पीसीआर वैन में गोलियां लगी, लेकिन महिला कांस्टेबल समेत तीनों जवान बदमाशों के हमले में बाल बाल बच गए। पुलिस ने पकड़े हुए बदमाश का मेडिकल चेकअप कराया है और अब पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये बदमाश कौन है और बाकी के तीन बदमाश कहां फरार हो गए। जिस तरह बदमाश सरेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और चकमा दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए संदेश साफ है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं के बराबर है। पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। ये मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंचे।